हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप कादियान, नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। दोस्तों आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइज में। दोस्तों आज हम बात करेंगे धन प्राप्ति के बारे में। दोस्तों हमारा जो ये दिमाग है ये किस तरीके से काम करता है, जो हम चाहते हैं ये वो प्राप्त कर सकता है, जैसा हम बनना चाहते हैं ये हमें वैसा ही बना देता है। अगर हम चाहते हैं कि हमें शरीफ बनना है तो ये हमें शरीफ बनने की कमांड चली जाती है, हमें शरीफ बनाता है। हम सोचते हैं हम बदमाश हैं, हम बदमाश बनेंगे तो ये हमें बदमाश बना देता है। हम सोचते हैं हम पहलवान बनेंगे, बॉडी बिल्डर बनेंगे, ये हमें बॉडी बिल्डर बना देता है। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव एनर्जी जो है वो उसी साइड हमारी लगनी शुरू हो जाती है जैसे हम अपने दिमाग को कमांड देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक बात आज कहें किसी भी आदमी को, ज़्यादा भीड़ हो, एक आदमी को, 10 आदमियों को या 100 आदमियों को, कि हम जो ह्यूमन बीइंग है हम देखते कैसे हैं, उसका जवाब क्या होगा? भाई आंखों से देखते हैं, 100% आदमी यही बात करेंगे। पर हम आंखों से नहीं देखते, हम दिमाग से देखते हैं। दिमाग से देखते हमारी आंखें हैं, जो हमारे हम कमांड देते हैं, हमारा दिमाग जो कहता है हमारी आंख को देखने के लिए, हमारी आंख वो और सिर्फ वो ही देखती है, उसके अलावा वो कुछ नहीं देखती। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी आपको कहूं कि आप अपने आसपास रेड कलर की चीजें देखें, देखो क्या दिख रहा है आपको, कैप है, रेड टी शर्ट है, वॉल है, टॉल है, ये सब रेड दिख रहे हैं। अब आप अपने आसपास देखो, जहां भी आप बैठे हो, कुछ चीजें आपको और भी रेड दिखेंगी। अब सवाल ये है कि सारी रेड दिखी, अब आपने और कुछ नहीं दिखा रेड के अलावा, ये व्हाइट इसको छोड़ दें, अगर कुछ मेरा लोअर का भी दिख रहा आपको, ये भी व्हाइट है, और आपको जिधर भी आपने नजर मारी है इन रेड के अलावा आपको बहुत सी चीज और भी दिखी हैं, लेकिन आपकी नजरों ने क्या देखा, सिर्फ और सिर्फ रेड। तो क्या हुआ, आपके दिमाग ने कमांड दी उसको कि मुझे रेड देखना है, तो आपको रेड ही दिखा। अब हो सकता है ग्रीन भी हो, आप जहां बैठे हो वहां पेड़ पौधे भी हो, या और कोई कलर भी हो सकता है, या आपने खुद दूसरे कपड़े पहने हो, आपका उस चीज पे ध्यान नहीं गया। तो हुआ क्या, देखा नजरों से और देख कमांड किसने दी, दिमाग ने। दिमाग जो हमें कहता है वो ही हम देखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हम जो देखना चाहते हैं वो ही हमें दिखता है। अगर हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं, सक्सेसफुल होने के बारे में सोचते हैं, जो हम काम करते हैं वो हमें सक्सेसफुल होने का ही तरीका बताता है हमारा दिमाग, और हमें दिखता भी वही है। अगर हम किसी आदमी के अंदर बुराई देखने लग जाए, हमें एक दिखेगी, 10 दिखेंगी, 25 दिखेंगी, 50 दिखेंगी उसकी बुराई। अगर उसी आदमी की हम अच्छाई देखने लग जाए, एक दिखेंगी, 10 दिखेंगी, 25 दिखेंगी, 75 दिख जाएंगी। तो हुआ क्या, आंखें तो हमारी वही है, वो ही आंखें अच्छाई दिखा रही है, वो ही आंखें उसी आदमी में बुराई दिखा रही है। क्या कारण है, आंखें तो अगर अच्छाई है तो अच्छाई दिखेगी, बुराई है तो बुराई दिखेगी। अगर अच्छाई भी दिख रही है, बुराई भी दिख रही है, लेकिन हमारा दिमाग जो वो हमें कह रहा है कि अच्छाई देखनी है तो अच्छाई देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने मोची देखे होंगे जो जूते ठीक करते हैं, उनका ध्यान किस चीज पे जाता है, आदमी के शूज पे, जूतों पे जाता है, यार कैसे हैं, टूट रहे हैं, मेरे पास आएंगे, मेरा गाप है, पॉलिश करवाएगा, ज़्यादा चमक रहे हैं, अच्छी कंडीशन के हैं, यार ये तो कोई अमीर आदमी है, ये मेरा काम नहीं है। कपड़े सिलने वाला क्या करता है, कपड़े सिलवाने के लिए हम उसके पास जाते हैं तो वो क्या करता है, सबसे पहले हमारे कपड़ों पर नज़र मारता है, किस टाइप के हमने कपड़े पहने हुए हैं, क्यों, क्योंकि उसका काम ही कपड़े सिलने का है, उसकी नज़रों में वो ही चीज़ है जो उसका दिमाग उसको कह रहा है। आप किसी दिन व्रत रख के मार्केट में, बाजार में जाइए, आप रोज उस मार्केट में जाते हो, चाहे
उस दिन आपको खाने की चीजें होटल रेस्टोरेंट रेडी पटड़ी ज्यादा दिखेंगी। आप डेली चाहे उसी मार्केट में जाते हैं, भले आपकी उस मार्केट में दुकान है, आप डेली जाते हैं, लेकिन आज आप गए हैं, आज आपने व्रत रखा हुआ, आज आप भूखे हैं, आपने कुछ नहीं कर रखा, आज आपको पता लगेगा कि दुकानें कितनी हैं, इस चीज की दुकानें कितनी हैं खाने पीने की। तो हुआ क्या, आज हमारा दिमाग संकेत दे रहा है, तो हमारा ध्यान उसी चीज पे जा रहा है क्योंकि आज हमें भूख लगी हुई है। और डेली भी हमारी वही आंखें हैं, डेली भी हम जाते हैं, डेली हम उस बात को इग्नोर करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते, कंसंट्रेट नहीं करते। जब तक हम ध्यान नहीं देते तो हमें वो चीज दिखती नहीं। अब जब दिखती ही नहीं तो वो मिलेगी कैसे, जो चीज हमें दिख ही नहीं रही वो मिल ही नहीं सकती, वो मिलेगी कैसे। अब एक चीज और है, इसके अलावा अगर हम चले जाएं, आगे चले जाएं, हम कहीं गए घूमने के लिए, आप स्विट्जरलैंड चले गए, दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है, अगर आप बीमार हैं आपको कुछ मजा नहीं आएगा वहां, क्यों, क्योंकि शरीर ठीक नहीं है। तो दिमाग क्या कमांड दे रहा है, वो नजारा देखने की नहीं दे रहा है उसको, वो तो कह रहा है यार दिक्कत पड़ रही। अब आप एक चीज और देखो, बचपन जब हमारा था, मेरा या आपका या किसी का भी, तो जब हम ज्यादा छोटे थे उस टाइम तो ज्यादा टीवी टावी का इतना रिवाज नहीं था। उस टाइम क्या होता था, हमारे तो जहाज चलते थे भाई पानी में, जैसे बारिश आ गई हमें जहाज बनाना आता था कागज का, और हम उसको समुद्री जहाज को बना के चला देते थे, और हवाई जहाज भी बनाना आता था कागज का, वो भी हमारे चलते थे। तब हम कितने खुश थे, क्या कारण था, ये मायने नहीं रखता कि कोई आदमी उस टाइम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, किसी भी बड़े स्कूल में पढ़ता था, डीपीएस में पढ़ता था, या और किसी बड़े स्कूल में, दून वैली पब्लिक स्कूल देहरादून में पढ़ता था, यह कोई मायने नहीं रखता। बच्चे सारे ही खुश हैं, क्या कारण है, फाइनेंशियल फ्रीडम, वित्तीय आजादी। जब हम छोटे थे या कोई भी छोटा था तो उसके ऊपर, चाहे वो गरीब का बच्चा था चाहे वो अमीर का बच्चा था, उसके ऊपर कोई भी वित्तीय बोझ नहीं था, उसके ऊपर, उसके ऊपर कोई भी जिम्मेवारी नहीं थी पैसे की, उसने पैसा नहीं कमाना था, उसके माँ बाप मेहनत कर रहे थे पैसा कमा रहे थे, वो इजली उसको खाने को मिल रहा था, अच्छे कपड़े मिल रहे थे या बेकार मिल रहे थे वो कोई मायने नहीं रखता, उसको जिंदगी का उस टाइम मजा आ रहा था। अब क्यों नहीं आ रहा, अब आप बहुत से आदमी ऐसे देखेंगे 3 लाख रुपए भी कमा रहे हैं महीने में, लेकिन वो फिर भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है उनके पास, क्या कारण है। बहुत से ऐसे आदमी हैं वो 50,000 रुपए में फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर लेंगे, वित्तीय आजादी उनकी 50,000 रुपए में हो जाएगी। अब फर्क कहाँ आया भाई, जो हमारी बेसिक जरूरत है, रोटी कपड़ा और मकान, और आज ये तो पहले फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन की, उसमें बताया था 3, रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन आज के टाइम में मेरे ख्याल हमारी 6 बेसिक जरूरत हो गई हैं, जो बिल्कुल ही बेसिक हैं, रोटी कपड़ा मकान बिजली पानी और मोबाइल, ये भी बेसिक जरूरत में है, लग्जरी में नहीं रहा, आज की डेट में हमारी ये 6 जरूरत हैं। या हम जिस भी लग्जरी लाइफस्टाइल में, आज की डेट में हम अपना लग्जरी लाइफस्टाइल है या सिंपल है, जो भी आज हमारा लाइफस्टाइल मेंटेन है उसको उसको इस तरीके से ही मेंटेन करने के लिए हमें पर मंथ का कितना खर्चा चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपका 70,000 रुपये में इजिली काम चल जाता है तो इसका मतलब यह है किसी सोर्स से अगर आपके पास 80 या 90,000 रुपये लाख रुपए आने लगे तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी, आप फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाओगी, उससे आपको आर्थिक आजादी मिल जाएगी। अब कोई आदमी आज 3 लाख रुपए भी कमा रहा है लेकिन वो फिर भी नहीं, वित्तीय स्थिति उसकी फिर भी डावाडोल है, वो आर्थिक रूप से फिर भी आजाद नहीं है। अब कारण क्या है, हम कह रहे हैं कि 1 लाख में भी वित्तीय आजादी मिल सकती है और 3 लाख वाले को भी वित्तीय आजादी नहीं मिल रही, कारण क्या है, उसने उस हिसाब से अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करा हुआ है, उसको अगर 4 लाख रुपए पर मंथ मिलेंगे तो वो वित्तीय आजादी उसकी हो जाएगी, उसको भविष्य में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम समस्या
नहीं आएगी। और अगर इस तरीके से हमारी वित्तीय आजादी आ जाए तो हमारी चाहे उम्र फिर कुछ भी हो, हम वो बचपन वाला मजा अब भी ले सकते हैं। क्यों? अभी 99% आदमी जो काम कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है 100% ही जो जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो उसमें फंसे हुए हैं। उन्होंने क्या कर रखा है, लोन ले रखे हैं, बिजनेस लोन ले रखा, किसी ने गाड़ी का लोन ले रखा, किसी का उनका अपना पर्सनल खर्चा है, वो वित्तीय आजादी नहीं है। उनको ये पता है कि अगर मैं आज जॉब छोड़ दूंगा तो उसको पता है नेक्स्ट मंथ सैलरी नहीं आएगी, सैलरी नहीं आएगी तो मेरा घर कैसे चलेगा, मेरा परिवार कैसे चलेगा, मैं किस्त कहाँ से दूंगा जो मैंने लोन ले रखा है। बिजनेस वाले भी ऐसे ही फंसे हुए हैं, उन्होंने भी 10 तरह के लोन ले रखे हैं। वो क्या सोचते हैं, भाई मैं काम नहीं करूंगा तो मेरी फाइनेंशियल स्थिति खराब हो जाएगी, तो उनकी वित्तीय आजादी इसलिए नहीं है। हमारे देश में ज्यादातर आदमी लगभग जब वो पैसा कमाना शुरू करते हैं उससे सारी उम्र वो पैसा कमाते कमाते ही पूरे हो जाते हैं। 60-65 साल तक तो लगभग सारे काम करते हैं, बहुत से ऐसे आदमी भी हैं जो 70 तक भी काम करते हैं, या जब उनका शरीर जवाब दे जाता है तब तक वो काम करते हैं, वो फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि वो उस बात को, उस कंसेप्ट को सारी उम्र समझ ही नहीं पाते कि ये है क्या चीज। देखो, बचपन से हमें एक चीज हमारे बुजुर्गों ने सिखाई है कि हमें सेविंग करनी चाहिए, पर मैं आपको चैलेंज करता हूं कि दुनिया में कोई भी अमीर आदमी सेविंग करके अमीर नहीं बना, इस बात की गारंटी है। आप अपने मोहल्ले में, पड़ोस में, गांव में, कस्बे में, तहसील में, जिले में, देश में या दुनिया के किसी कोने में आप यूट्यूब पर सर्च कर लो, आप गूगल करके देख लो, मुझे एक आदमी बता दो कि हमारे मोहल्ले पड़ोस में ये आदमी सेविंग करके अमीर बन गया। सेविंग करके आज तक कोई अमीर नहीं बना, इन्वेस्टमेंट करके जितने आदमी अमीर बने हैं वो सभी इन्वेस्टमेंट करके बने हैं, क्योंकि सेविंग का तरीका क्या है, जो हमारे बुजुर्गों ने बताया है, सिखाया है कि हमें सेविंग करनी चाहिए। चलो सेविंग कर ली, अब सेविंग करके क्या घर में रखेगा आदमी, भाई जितनी उसकी इनकम है वो तो कहते हैं 30%, मैं कह रहा हूं मिनिमम 10% भी अगर कोई आदमी अपनी इनकम का सेव करे। देखो हर आदमी पैसा तो कमा रहा है, उसका परिवार चल रहा है, कोई आदमी ये वीडियो देख रहा है तो इसका मतलब वो पैसा तो कमा रहा है, उसने रिचार्ज करवा रखा है ना उसका, तो कहीं ना कहीं से उसकी अर्निंग तो हो रही है। अब उसके पास पैसा नहीं जुड़ पा रहा, फाइनेंशियल फ्रीडम वो हो नहीं पा रहा, उसी का कारण मैं आपको बता रहा हूं कि जो हमें शिक्षा मिली है बचपन में हमारे पूर्वजों से, हमें सेविंग करनी चाहिए। सेविंग से कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं आ सकती। सबसे पहली बात तो यह है, आपको कोई दुनिया में ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो सेविंग से फाइनेंशियल वित्तीय आजादी उसको मिल गई होगी, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? अगर हम पैसा सेव करेंगे अपनी सैलरी में से, बिजनेस में से, हर महीने 10-20%, और उसको घर में ही रखना शुरू कर दें, मान लो पैसे पुराने जमाने में जब ये कहावत बनी होगी 2000-3000 साल पहले, उस टाइम तो लोग घड़ों में डाल के और उसको जमीन में डाल देते, तो क्या होगा 10 साल के बाद अगर मैंने 10 लाख रुपए भी जमा कर लिए वो तो 10 ही निकलेंगे जमीन में से। तो आज वो कंसेप्ट तो चेंज हो गया, आज सेव करने का तरीका क्या है, सिक्योरिटी से सेव करने का तरीका क्या है, बैंक में डाल दो भाई, सेविंग अकाउंट में रख लो, FD करवा लो, RD करवा लो, भाई हर महीने हम पैसा जमा करते रहेंगे ये हमें बढ़ के मिल जाएगा, या इंश्योरेंस करवा लो वहां जमा करवाने शुरू कर दो, 15-20 साल के बाद हमें इतने पैसे, जितने पैसे हमें मिलेंगे अगर हम 10 लाख रुपए इकट्ठे करें, आज 10 लाख हमारे पास है बैंक में FD कर दें, 13-14 साल में बैंक हमें डबल पैसे कर देगा, लेकिन उसको इन्फ्लेशन खा जाएगी, उसको महंगाई दर खा जाएगी, हो तो जाएंगे वो डबल, वैल्यू हो जाएगी उसकी आधी, तो फिर आदमी फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे प्राप्त करेगा। भाई उसने 10 लाख रुपए जोड़े और 14 साल के बाद उसको 13 साल के या 12 से तो कम है नहीं आज की डेट में कहीं भी, क्योंकि ब्याज दर 5.5 रह गया लगभग सारे, वो भी सीनियर सिटीजन के अलग, वैसे तो नॉर्मल में 5% ही रह गया,
अब वो 10 जोड़े, उसने 10 के 20 तो हो गए, लेकिन वो तो 10 की 5 की वैल्यू रहेगी। फाइनेंशियल फ्रीडम वो होगा कैसे 14 साल के बाद भी? वो कभी नहीं हो सकता इस तरीके से। और यही तरीका हमें बताया और समझाया गया, यही कारण है कि मध्यम वर्गीय परिवार के आदमी इस जाल में फंसे हुए हैं। अगर वो पैसा जोड़ भी रहे हैं, वो सेविंग कर रहे हैं। वो सेविंग कहाँ कर रहे हैं? बैंक में, डाकखाने में, अपने पैसे को सिक्योर तरीके से डाल रहे हैं ताकि मुझे इमरजेंसी में कोई काम पड़ जाए तो मैं अपना पैसा निकालूं। वो तो ठीक है कि हमें, अगर हम दुनिया में कोई भी आदमी बगैर रिस्क लेके आज तक फाइनेंशियल फ्रीडम किसी ने प्राप्त नहीं की। अगर हम रिस्क नहीं ले रहे, किसी भी काम में नहीं रिस्क ले रहे, तो इसका मतलब हम दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क अपने सर के ऊपर ले रहे हैं। कैसे? अगर हमारी कोई जमीन जायदाद प्रॉपर्टी कोई 5 करोड़ रुपए की भी बिकी और हमने उस पैसे को इन्वेस्ट नहीं किया, तो भाई साहब अगले 5 साल में वो 5 करोड़ रुपया खत्म। क्यों? पैसे में तो आँच लगे भाई। फिर ज्यादा पैसे रखे होंगे तो ज्यादा बड़ी गाड़ी लेगा, ज्यादा बड़ा होटल लेगा, ज्यादा बड़ा बंगला बनावेगा। वो पैसा मैक्सिमम 5 साल है, वो 5 साल के बाद बचेगा। आपके पास कुछ पैसा है, आप उसको गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए। क्यों? वो कभी रेट कुछ टाइम के लिए घट सकता है, लाइफ टाइम के लिए कभी इसमें आज तक किसी खरीदने वाले को घटना नहीं पड़ा। या आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कीजिए या गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए। ये ऐसी चीजें हैं जो 10-12 साल में आपके पैसे को मिनिमम 5 से 7 गुना कर देती हैं। इससे आपकी वित्तीय आजादी आ जा सकती है। इसमें आपके पास नहीं 10 लाख रुपए हैं, आप 10,000 रुपए महीना जोड़ना चाह रहे हैं, वो गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई हुई है, 10,000 रुपए महीना भी आप गोल्ड खरीद सकते हैं। और आप 10,000 रुपए महीने में भी कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कहीं से बैंक से लोन करवा के उसकी आप किस्त भरते रहे और प्रॉपर्टी की इतनी कीमत हो जाएगी जितनी आप उस 12 साल में किसी भी काम से उतना पैसा नहीं कमा सकते, उससे ज्यादा पैसा आपको आपकी प्रॉपर्टी कमा के दे देगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदेगा तो वो 20-25 हजार रुपए महीना ही कमा रहा होगा। अगर कोई कमाई आज 2 लाख रुपए महीना रहे, वो 10 लाख रुपए की तो खरीदेगा नहीं, वो तो खरीदेगा ही 2 करोड़ रुपए की। वो अगले 12 साल में उतना पैसा नहीं कमा पाएगा क्योंकि वो 2 करोड़ के उसके 10 करोड़ हो जाएंगे और 10 लाख वाले के हो जाएंगे 60-70 लाख रुपए। और गोल्ड का भी अगर हम रेट की बात करें, आज से 20 साल पहले इसका लगभग रेट था 4,4200 रुपए, आज से 20 साल पहले आज कितना है? मिनिमम 50,000 रुपए। कितने गुना हो गया? यह तो हो गया 12 से भी ज्यादा। अभी 56,000 तक भी चला गया था, 13-14 गुना तक भी चला गया था, अब थोड़ा सा डाउन हो गया। तो इन चीजों में इतनी एप्रिसिएशन है कि ये हमें फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकते हैं। वित्तीय आजादी हमें इस तरीके से मिल सकती है। पैसा बचाना ही समझदारी नहीं है, पैसे को इन्वेस्ट करना उससे भी बड़ी समझदारी है। जब तक ये समझदारी नहीं आएगी तब तक फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होगी। अब ज्यादातर सवाल ये आता है कि सर हमारे पास तो पैसे बचते ही नहीं, अरे बचेंगे कैसे? भाई ये जो मार्केटिंग वाले हैं, ये जो है बहुत बड़ी मछली है, ये हमारे दिमाग से खेलते हैं। आपने देखा होगा हमारे यहाँ तो कुंजपुरा रोड पर जाओ, सेल लग रही भाई 75% लेस है भाई, 80% लेस है भाई। अरे पागल हो गए यार, 80% लेस है, 80% लेस भी होएगा क्यों? कोई 1 लाख रुपए की चीज 20,000 रुपए में दे देगा क्या? दुनिया किसी कोने में चले जाओ आप, वो अपने बचत करने के लिए बैठा है शोरूम खोल के, या हमारे को सब माल लुटाने के लिए बैठा है? ऐसा कभी नहीं होता। वो माइंड से खेल रहा है कि अब छूट है, अमेजोन पे छूट लगी। भाई जो बढ़िया चीज है वो दुनिया के किसी कोने में कम रेट की नहीं मिलती। कोई आपको आईफोन बेच रहा है 11 बेच रहा है और कह रहा है 20,000 रुपए का है। अरे भाई 20,000 रुपए का आईफोन 11 मिला है के? वो नकली है, वो वहां तक गफार मार्केट में ले रखे हो दिल्ली में, ग्रे मार्केट को उसने, वो दे देगा, वो 1-2 साल चलेगा, वो कबाड़ा वो बीच मन माने बीच में खराब हो जाए। तो ऐसा नहीं होता। ये जो मार्केटिंग वाले हैं, ये तो हम बड़े लोगों की बात कर रहे हैं, बड़ी कंपनियों की बात कर रहे हैं कि वो तुम्हारे दिमाग से कैसे खेलती है। मैं आपको छोटी बात पे भी आ जाता हूँ, रेड़ी पटड़ी वाले भी को भी मार्केटिंग आती है, वो भी हमारी जेब से पैसा उसको निकालना आता है।
अगर हम बाजार में जा रहे हैं, वो आवाज मारेगा 20 रुपए किलो है भाई अमरूद, 20 रुपए किलो। जैसे ही वो किसी का को उसके जैसे मान लो दोपहर हो गई, दोपहर के टाइम ग्राहक कम होते हैं मार्केट में, मंडी में, कहीं भी सारे देश में आप रहते हो, जैसे ही आप उसके पास से गुजरोगे वो आवाज मारेगा 20 रुपए किलो है भाई अमरूद, अमरूद 20 रुपए किलो है। अब क्या हुआ, वो बात हमारे माइंड को हिट करेगी, यार 20 रुपए किलो तो सस्ते हैं, चल ले लेता हूँ। अब हम उसके पास गए, कितने रुपए हैं भाई, 50 रुपए किलो है जी। अरे 50 रुपए किलो यार, ये तो 20 रुपए किलो कह रहा था यार, ये 50 रुपए, नुका जी 20 भी है, नुका वो कौन से है, नुका ये रखे, वो जो है वो कीड़े वाले अमरूद हैं, वो आप लोगे नहीं। अब क्या होगा, अब आप वहां से जाओगे भी नहीं, अब आप नहीं 50 खर्चना चाह रहे तो आप 25 रुपए तो जरूर खर्चोगे। आप क्या कहोगे, यार चल आधी किलो दे दे। तो उसने क्या किया, उस रेडी वाले को भी मार्केटिंग करनी आ रही है, उसने भी दिमाग से केला अट्रैक्ट करके आपको बुला लिया और आपकी जेब से पैसा निकाल दिया। ऐसे ही क्या करता है, आपने देखा होगा कोई टिक्की बना रहा है, हॉट डॉग बना रहा है, जैसे ही कोई ग्राहक उसके पास पैदल निकलेगा, अगर वो खाली खड़ा है, वो ऐसे टन टन चिमटा सब जाना शुरू कर देगा उसमें, तो में वो दिमाग में मारे आवाज जाएगी, यहाँ लगेगी जाके, हमारा दिल करेगा यार चल एक हॉट डॉग खाई लेते हैं, चले गए। या क्या करेगा, थोड़ा सा घी डाल देगा, तवा तो उसका पहले ही गर्म हो रहा है, अब वो जैसे ही उसकी स्मेल आएगी फिर हमारा दिल कर देगा, फिर हम उसके पास जाएंगे, हो सकता है हम गोलगप्पे खाएंगे या टिक्की खा के फिर हम गोलगप्पे भी खा लें, उसको भी मार्केटिंग करनी आ रही है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां क्या कर रही हैं, पहले तो रेट बहुत ज़्यादा कर देते हैं, फिर उसको कम कर देते हैं, कम करने के बाद ग्राहक के मन में क्या आता है, यार ये तो सस्ता है ले लेता हूँ, वो अननेसेसरी चीज़ें भी खरीद लेता है। और उसके बाद नई स्कीम जो इन्होंने चलाई है, नो कॉस्ट ईएमआई, भाई कोई किस्त नहीं देनी शुरू में, इसको किस्तों पे ले जाओ। ग्राहक को ये लगता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, उसके दिमाग में ये आता है कि यार ये तो प्रीमी मिलन लग रहा है, ये नहीं पता बाद में ब्याज भी देना पड़ेगा इसका, वो कहते हैं इस पर 0% इंटरेस्ट है भाई, और 0% इंटरेस्ट है तो वो अपना पैसा मुझे क्यों दे रहा है भाई साहब। अगर कुछ कॉमन सेंस की बात है, 0% इंटरेस्ट पे अपने पैसे मेरे को भी दे रहा है, उसने अपना एम्प्लाइज भी लगा रखा है, उसको सैलरी कहां से देगा, और अपने पैसे मेरे को क्यों दे देगा, अपने बच्चों को दे देगा, बैंक में ही रख देगा, FD में ही रख देगा, थोड़ा ब्याज लगेगा, इन्फ्लुएंसर खा जाएगी उसको, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे से तो अगर वो कह रहा है कि मैं आपको 50,000 रुपए का आईफोन दूंगा, 70,000 का आईफोन दूंगा, 1,00,000 रुपए का दूंगा, उतने ही पैसे लूंगा, ये तो कोई लॉजिक नहीं है ना। लेकिन उसने क्या किया, हमारे दिमाग से खिला और हमें अट्रैक्ट कर दिया। अब हमें क्या समझ में आया, यार मैंने तो एक खुद ली चीज, हमें ये समझ में आता है जब हम वो चीज खरीद लेते हैं, यार मैंने तो अपने आप से गोलगप्पे खाए, मन तो अपने आप से खाए, अपने आप से नहीं खाए, उसने मार्केटिंग की, उसने हमें बुलाया और हमारी फिशिंग कर दी। आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, बस वही तरीका है मार्केटिंग का इनका। मार्केटिंग में आदमी है फंसा के, फिर वो लोन के ट्रैप में फंस जाता है, फिर वो कहता है कि पैसे बचते ही नहीं, वो बच सकते ही नहीं, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उनको पता है मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से सफेद कैसे, उसको पता है यार ये अपना इसको डिटर्जेंट बेच, उसके बाद ये आए ना आए तेरा तो माल गया बिक। अब आपने देखो होगा इससे इम्यूनिटी पावर बढ़ा है, ये प्रोडक्ट आ गया भाई, ये आ गया सलमान खान ऐड कर रहा है कोई किसी को, वो सलमान खान ने कभी खा कभी नहीं देखे हो, लेकिन वो उसकी ऐड कर रहा है। ऐसे ही ब्यूटी प्रोडक्ट की, ये ब्यूटी प्रोडक्ट, अरे दुनिया की रिसर्च ऐसी है यार, वो बता रही है कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसको काला आदमी लगा के गोरो जगा, ऐसा कोई दुनिया में आज तक प्रोडक्ट नहीं बना। फिर भी मार्केटिंग है, वो कुछ टाइम के लिए उसको चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, वो पैसा आपकी जेब से निकाल देते हैं, इसीलिए आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं हो पाती। कुछ पैसा 10% चाहे आप बचाएं, आप अगले 14-15 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप 10,000 रुपए बचाएंगे तो इसका मतलब आपकी इनकम ही 40-50,000 रुपए है। अगर 10,000 रुपए भी आप उसमें से बचा रहे हैं और 14-15 साल उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टी या गोल्ड में, क्योंकि शेयर बाजार में भी लोग कहते हैं अरे शेयर बाजार का किसने देखा है यार,
शेर सो गए तो फिर क्या करेंगे भाई, वो तो फिर नंगड़ हो गए, वो तो बिकते नहीं 2 रुपए में भी, वो तो इतने रेट में बिका जितने में आदमी कोई बेचता ही नहीं। तो इस तरीके से अगर हम इन चीजों का ध्यान रखें तो पैसा प्राप्त करना इतना मुश्किल नहीं है, असंभव नहीं है। हमारे माइंड को सेट करें, हमारे माइंड को वो कमांड दें, हमारे माइंड को मैंने पहले ही कह दिया है, नजरों से कुछ नहीं होता, नजर सिर्फ देखती है, लेकिन देखती क्या है, जो हमारा दिमाग उसको कहता है वो ही देखती है। हम अपना दिमाग में फोकस करें, एक अपना गोल बनाए तो हम फाइनेंशियल फ्रीडम होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।